ये सैमसंग की एलसीडी टीवी है 26 इंच की। इसमें प्रॉब्लम है कि इस समय ये डेड है, और आज की वीडियो में हम इसे जानेंगे कि इसके फॉल्ट को टेस्ट आउट कैसे करते हैं। यानी एक तो नॉर्मल होता है कि हमारा फ्यूज ओपन हो गया, लेकिन एक ऐसा होता है कि सप्लाई जा रही है, यानी हमारा ये डीसी वोल्टेज जो यहाँ पर बन रहा है मेन कैपेसिटर पे। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए, जैसे यहाँ पे 1 2 3 ये जो ट्रांसफार्मर लगे हैं सबका अलग अलग, यानी इसी को पीएफसी पावर सप्लाई कहते हैं। कि इसमें आपको सबसे पहले समझना होगा कि जैसे आप यहाँ पर देखें, ये ट्रांसफार्मर जो है बैकलाइट और साउंड के लिए ये जो है डिज़ाइन किया गया है। यानी सबसे पहले अगर कोई काम करेगा यहाँ पे, तो वो कौन सा ट्रांसफार्मर काम करेगा, ये या ये या ये। क्योंकि सबसे पहले अगर कोई सप्लाई इन होती है एसी, तो पहले यहाँ पे इन होगी, उसके बाद लाइन फिल्टर के द्वारा यहाँ पे फिल्टर होगा, उसके बाद डीसी बनेगा, डीसी बनने के बाद यहाँ पे ये फिल्टर होके लाइन यहाँ पे डीसी कंप्लीट हमारा बन जाएगा। उसके बाद ये कि यहाँ पे देखिए, ये पीएफसी सर्किट है, पीएफसी सर्किट में क्या होगी, इस सप्लाई को बूस्ट किया जाएगा, बूस्ट करके 400 वोल्ट बनाया जाएगा। 400 वोल्ट बनाने के बाद यहाँ पे जो है इस सप्लाई को एक्टिव किया जाएगा। यानी इसको एक्टिव करने के लिए हमें जो है सबसे पहले कौन सी सप्लाई चाहिए, वो सप्लाई कैसे काम करेगा, और कैसे हम इसे टेस्ट करते हैं। यानी यहाँ पे जो सप्लाई बनेगी 12 वोल्ट 24 वोल्ट, यानी साउंड के लिए और बैकलाइट के लिए, तो इसी को हमको यहाँ पे ट्रेस आउट करना है। अब जैसे सर्किट डायग्राम में आपको क्लियर हो जाता है कि दिखता है कि ये यहाँ पे जा रहा है या यहाँ पे जा रहा है। आज आपको सबसे पहले इसी प्रैक्टिकली को देखते हैं कि इसे कैसे हम ट्रेस आउट करेंगे इस फॉल्ट को। फिर आगे हम जब इस पीएफसी सर्किट के बारे में डायग्राम के द्वारा बताएंगे, तो आपको ये मैटर वहाँ पे दिखा कर बताएँगे। तो चलिए देखते हैं, इसे यहाँ पे सबसे पहले निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर देखें, क्योंकि जब आप इधर कोई सेट ओपन करेंगे, यानी 32 इंच के या 26 इंच के या और भी आगे जो और भी अदर कंपनी के आते हैं, उसमें आप पीएफसी सर्किट को देखेंगे, कुछ डिज़ाइन डिफरेंस होता है, लेकिन सिस्टम काम करने का वही होता है। थोड़ा सा आसान से इजीली तरीके से समझने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताते हैं वो भी प्रैक्टिकली। अब यहाँ पर देखें, एक हम सीरीज कनेक्शन बनाते हैं 100 वाट बल्ब से। ये चेक करने के लिए हम यहाँ पे मेन यहाँ देखिए ये है, तो हम यहाँ सबसे पहले इसे यहाँ पे सोल्ड कर लेंगे। ये दोनों वायर जोड़ने के बाद हम सप्लाई को डायरेक्ट ऑन करेंगे। अब देखिए, हम सप्लाई ऑन करते हैं, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन इत्मीनान से इसे देखिए कैसे चेक करते हैं। मल्टीमीटर को ऑन कर लेते हैं। अब सप्लाई को ऑन कर दिए। सबसे पहले यहाँ पे एसी को चेक करके दिखाते हैं। देखिए ये यहाँ पे एसी 269 वोल्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब इसके बाद डीसी चेक करते हैं इस लाइन फिल्टर पे। देखिए 374 वोल्ट। अब ये सप्लाई हमको चेक करने के लिए, यानी यहाँ पे डीसी वोल्ट हमारा पहुँच रहा है, तो सबसे पहले क्या है कि हम जैसे यहाँ पे देखे हैं कि ये जो है आगे कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा था, तो उसे हम डेड मानकर ओपन किए।
अब चूँकि सप्लाई यहाँ पर जा रही है तो सबसे पहले हमको क्या चेक करना है, वो चेक करना है कि यहाँ पर जो सप्लाई बन रही है, यहाँ पे जो सबसे कम, एक सेकंड आपको दिखा दें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बना हुआ है ऑन ऑफ, एक NC स्टैंड बाई, ग्राउंड, फिर ग्राउंड, फिर उसके बाद 12 वोल्ट, 12.8 वोल्ट, फिर ग्राउंड, फिर यहाँ पे 5.3 वोल्ट। अब ये सप्लाई जो जो भी यहाँ पे दिख रहा है, तो सबसे पहले हमको जो चेक करना है वो सप्लाई 5 वोल्ट चेक करना है। 5 वोल्ट को चेक करने के लिए अब यहाँ पर देखिए, तीन ट्रांसफार्मर हैं, तीन अलग अलग सप्लाई हैं। अब सबसे पहले हमको देखना क्या है कि 5 वोल्ट कहाँ से बन रहा है। तो ये सबसे छोटा ट्रांसफार्मर जो कि सबसे पहले स्टैंड बाई को ऑन करने के लिए, ये मदरबोर्ड में सबसे पहले यहीं से जो है ये 5 वोल्ट बनता है। तो हमको सीधे यहाँ पे जाना है, यहाँ पे यहाँ ग्राउंड का प्रॉब लगाएंगे और यहाँ पर देखेंगे पॉजिटिव सप्लाई। देखिए यहाँ कोई सप्लाई नहीं है। अब सीधे हम प्राइमरी में आएंगे, प्राइमरी में आने के बाद यहाँ पे ग्राउंड पे लगाएंगे और यहाँ पर देखिए ये है 277 वोल्ट। अब यही ये जो ट्रांसफार्मर है जो 5 वोल्ट बन रहा है, सीधे यहाँ पे आएंगे, ये देखिए एक जो है यहाँ पे IC यूज़ की गई है जो स्विचिंग के लिए। तो यहाँ पे जो सप्लाई जा रही है, तो सबसे पहले यहाँ पे सप्लाई चेक करें, ये सप्लाई, यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं है और यहाँ पे भी कोई सप्लाई नहीं। अब इसी को ट्रेस आउट करते हुए, यानी यहाँ पे जो IC है, तीनों पिन कनेक्ट हैं, ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये सेक्शन, ये, और यहाँ से ऐसे गया है, फिर इंटरनल कॉइल के द्वारा, फिर देखिए ये यहाँ से होते हुए हम मल्टीमीटर का प्रॉब यहाँ पे नेगेटिव माइनस लगा के रखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ से देखेंगे, ये देखिए कोई सप्लाई नहीं, यानी 1.5 वोल्ट दिखा रहा है, जो कि यहाँ पे इसकी सप्लाई जो यहाँ DC बनाया गया है, AC से DC 220 को, वहाँ पे ये सप्लाई आना चाहिए 240, 250 जो भी है। तो यहाँ देखिए 1.5 वोल्ट। अब इसी को ट्रेस आउट करते 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 यहाँ पे जाएंगे इस जगह पे, सॉरी हम ध्यान नहीं दिए कैमरे में, फिर से बताते हैं, देखिए यहाँ पे चेक करेंगे 1.6 वोल्ट। और यही सप्लाई यहाँ पे चेक करते 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 यहाँ पे आएंगे, ये देखिए जहाँ पे टिक गया है, अब यहाँ पर देखें 1. मल्टीमीटर नहीं दिख रहा है, इस कंडीशन में रख लेते हैं, यही सप्लाई देखिए, ये 1.7 वोल्ट, 1.7 वोल्ट, यानी ये ट्रैक जो है रास्ता इसका यहाँ पे आया है। इसके बाद जस्ट एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, अब यहीं पर देखें ये रेजिस्टेंस के थ्रू ही सप्लाई हो जाती है, यानी DC सप्लाई जो हमारी मेन तैयार हुई है वो सप्लाई सीधे इसी रेजिस्टेंस के थ्रू वहाँ पे जाएगी, जहाँ पे हमारी 5 वोल्ट सप्लाई कम्प्लीट होगी। अब इसी रेजिस्टेंस को हमें ओपन करके, यानी या तो इसी के ऊपर दूसरी रेजिस्टेंस लगा कर चेक करना है। अब वो कैसे चेक करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी कोल्ड टेस्टिंग करेंगे, जहाँ पे रेजिस्टेंस की सप्लाई, यानी ये सप्लाई जो रेजिस्टेंस के थ्रू गई है, वहाँ पे देखेंगे कि शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, यानी हमारा चाहे MOSFET हो, चाहे ये IC हो या कुछ भी हो वहाँ पे लगा हुआ, जैसा कि अभी आप देखें एक IC लगा हुआ है, तो उसे हम क्या है कि कोल्ड टेस्टिंग के द्वारा चेक करेंगे कि वहाँ शॉर्ट सर्किट है कि नहीं। अब ये रेजिस्टेंस को यहाँ से हम निकाल लेते हैं,
और पहले इसे दिखा दें, ये देखिए इसकी वैल्यू ये 10 ओम का लगा हुआ है हाफ वाट में, और इसे हम ऊपर से लगाएंगे बाद में इसे हम निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर दिखा दें आपको इसके ये ब्राउन ब्लैक ब्लैक गोल्ड यहाँ पर दिख रहा है, और यही रेजिस्टेंस ओपन है। ओपन का कारण कुछ भी हो सकता है, यानी जब तक आप मल्टीमीटर से देखेंगे नहीं कि वहाँ पे शॉर्ट सर्किट है या क्या है, या कभी कभी फ्लेक्चुएट से होती है सप्लाई, तो भी ये ओपन हो जाता है। एक तरीके से एक प्रोटेक्शन का काम भी करता है। तो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को हम ऊपर से लगाते हैं, तो फिर आगे देखेंगे कि सप्लाई हमारी बनी कि नहीं। इसे हम कोल्ड टेस्टिंग करेंगे कंटिन्यूटी मोड में, यानी बजर के मोड में, कि ये जो है इसकी सप्लाई शॉर्टिंग तो नहीं है। उसके बाद इसे हम जो है यहाँ पे लगाएंगे, नहीं तो आप लगाएंगे उससे पहले जो है ये टेस्ट करना ज़रूरी होता है। जैसे लगाएंगे आप, ये फिर बर्न हो जाएगा या ओपन हो जाएगा, तो इसके लिए आप जो है पहले उसे चेक कर लें। और हो सकता है कि नॉर्मली तरीके से ये ब्रेक हुआ हो झटके से, तो ये सही भी हो सकता है। मैं अपने ऑनलाइन ट्रेनिंग में इसी तरीके से आपको एक एक कंपनी के जो है अलग अलग सर्किट पे जो है इसके प्रैक्टिकली और सर्किट डायग्राम के द्वारा इसके फंडामेंटल को बताते हैं कि कैसे ये काम करता है, और हमें सबसे पहले कैसे कैसे कहाँ पे जो है चेक करना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले इसे सोल्ड कर लेते हैं, लेकिन चेक करके आपको दिखा दें। यहाँ पे ये कंटिन्यूटी मोड पे ये लाइन जो ब्रेक हुई है, यहाँ पर देखें ओपन है। आते हैं इस ट्रांसफार्मर पे, फिर यहाँ पे जो आईसी पे जा रहा है, यहाँ पे अब यहीं पे ये नेगेटिव है और ये है पॉजिटिव, यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब इसे हम बेहिचक यहाँ पे लगा सकते हैं। थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन आप लोगों ने कल कमेंट भी किए थे कि टाइम लगे तो कोई बात नहीं। आप और मैं पहले सोचता था कि लॉन्ग वीडियो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दीबाजी में बनाता था, लेकिन अब आपको यहाँ पे क्लियर करके दिखाता हूँ। इसी तरीके से आप ऑनलाइन ट्रेनिंग में क्लियर एक एक सप्लाई, जो हमारे फेमस सप्लाइयाँ हैं जो इस समय मार्केट में अवेलेबल हैं, वैसे यहाँ पे करके आपको दिखाएंगे, और उसी के आधार पे आप कोई भी सप्लाई, चाहे जो SMPS सप्लाई हो, उसे बहुत आसान तरीके से रिपेयर कर सकेंगे। अभी सप्लाई ऑन भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, 5 वोल्ट बन सकता है नहीं बन सकता है, लेकिन ये लगाने के बाद ही डिसाइड होगा। अभी ये क्लियर हो गया कि हमारी शॉर्टिंग नहीं है। अभी से DC मोड पे करते हैं, और इसके बाद यहाँ पे इस सप्लाई को ऑन करते हैं। देखिए सप्लाई ऑन हुआ। अब हम सीधे डायरेक्ट पहले सेकेंडरी में चेक करते हैं। इसके लिए नेगेटिव का प्रॉब यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पे देखिए 5.2 वोल्ट यहाँ पे बन गया। इसी तरीके से हम अदर सेक्शन को भी चेक करते हैं। ये तो यहाँ पे एक नॉर्मल तरीके से जो पहले मदरबोर्ड में जा रहा है उसी सप्लाई के बारे में बताए हैं,
लेकिन और भी सप्लाई जो चेक करना है, यानी जो बैकलाइट में साउंड में जाती है सप्लाई, जिसे यहाँ पर देखें इस समय, ये देखिए यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं बन रही है। फिर यहाँ पे देखिए जो 24 वोल्ट की होती नहीं बन रही है, यानी 12 वोल्ट 24 वोल्ट नहीं बन रहा। ये कब बनेगा? जब ये CMPS वर्क करेगा। अभी से हम सर्किट डायग्राम के द्वारा समझेंगे जब नेक्स्ट टॉपिक PFC की आएगी। अब यहाँ पर देखें ये जो है निगेटिव और पॉजिटिव मेंस फिल्टर पे 375 वोल्ट मिल रहे हैं, यानी सारे सेक्शन ओके हैं। अभी मैं इसे मदरबोर्ड से कनेक्ट करके फिर आपको दिखाता हूँ कि ये वर्क किया कि नहीं। दूसरी बात, इस मेंस फिल्टर को डिस्चार्ज कर लेना ज़रूरी होता है। यहाँ पर देखिए कुछ वोल्टेज रहते हैं काम करते समय, इसे डिस्चार्ज ज़रूर कर लें, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे ये ऊपर से हम लगाएंगे इसे, पहले वाले रेजिस्टेंस को यहाँ से निकाल देते हैं। अब यहाँ पे इसे हमने सोल्डर कर दिया। अब चलिए इसे सप्लाई देते हैं और देखते हैं। देखिए ऑन हो गया, ये LCD है इसलिए ऐसा दिख रहा है। जब ये परफेक्ट सामने आएगा तो ये कलर इस तरीके से नहीं दिखेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। एक बात और बता दें आपको, कोई ज़रूरी नहीं होता कि ट्रेनिंग में जो प्रैक्टिकली किया गया वही सेट आपके शॉप पे आए। ऐसा हो सकता कि वो कभी भी ना आए वैसा सेट, लेकिन एक फंडामेंटल होता है और एक थ्योरी सिद्धांत होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हैं तो कोई भी सेट को बहुत इजीली तरीके से उसके फॉल्ट को ट्रेस आउट कर सकते हैं। किसी भी सर्किट को समझना ज़रूरी होता है, ये बहुत मोस्टली इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है कि किसी सर्किट को कैसे वो वर्क करता है। इस जब सर्किट को समझेंगे आप तो उससे आप जो है बहुत आसान तरीके से जो है किसी मल्टीमीटर का प्रॉब या किसी भी टीवी पे मल्टीमीटर का प्रॉब कैसे कैसे किस किस पॉइंट पे चेक करके और कैसे उसी पॉइंट पे ही केवल आयरन लगा के और आप क्लियर कर सकते हैं फॉल्ट को। मैं ऐसे ही एक एक पॉइंट को क्लियर करके बताता हूँ कि कोई कंपोनेंट पे कैसे चेक किया जाएगा और इसे कैसे आसान तरीके से आप कहीं भी यूज कर सकते हैं।